बीवी तलाक कितने करोगे? चिकन गेट तक है फिर से पैसे मांगे थे क्या? नहीं तक चिकन क्या क्या तू जो कर करके चिकन क्या चिक लो पढ़ता तेरे पास मेरा ठीक है जो तेरे को कर लिए जा ठीक है। और मेरी बात सुने टांगे तोड़ को अगर मेरा का फालतू बकवास कर दी दादी के किसी ने ठीक है आप कौन से अभी सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। भाई आज गुट्ठा टेक दियो घना ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि तीन चार दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी आप तक जिसमें टाइटल भी रखा था कि एक बाप के ऊपर लगे अपने बेटे की किडनैपिंग के आरोप। और वे जो आरोप है वे किसने लगाए थे? स्क्रीन पर आप उस बच्चे की मां ने देख लग रहे हो कि भाई इन आरोप लगाए कि भाई इसके बाप ने मतलब उस बच्चे के बाप ने उसको किडनैप कर लिया। भाई पूरी बात के है क्यूकर के मैटर था। और मैं बता दूं इनकी जो है लव मैरिज हुई थी। पिछली वीडियो में भी हमने आप तक बताई थी और इस वीडियो में बता लग रहे इनकी लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज होने के बाद भी इस तरह के केसेस से हम यहाँ लग रहे हैं कि चार पाँच साल में शादी भी हुआ है और टूट भी जावा है, लड़ाइयाँ होती है। क्यों होती है लड़ाई? उसकी वजह तो बात इसी है, सारे के लिए लड़ाई हो चाहे अरेंज कर लो चाहे लव मैरिज कर लो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की सबसे बड़ी बात हुआ है। लेकिन उस वीडियो में हमने एक तरफ आप तक बात दिखाई थी, लेकिन दूसरा पक्ष अगर बात करी जावा आज हमारे शह में आया है, आप सभी के शह में आया है, तो आप इस खबर ने पूरा सुनियो कि पूरा का पूरा जो माजरा था किडनैप कराया था अक ना कराया था, इन आरोप लगाए थे एक ना लगाए थे। और दूसरी बड़ी बात इनके ऊपर एक आरोप लग गया था कि भाई 3.5 लाख रुपया में इन ने अपना बेटा जो है उस तक बेच दिया था, कोर्ट के अंदर दस्तखत करवाया गया साइन करवाया गया, वो पूरा के बात था। उससे पहले मैं आपने एक ऑडियो सुना देता हूँ जिसमें शुरुआत में एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भाई जो बेटा उनने बेचा था, इनने जो बेटा उनने बेचा है 3.5 लाख रुपये इनने लिए थे अक ना लिए थे, वो सुना देते हैं आपने एक बार जी। ऑडियो सुनाओ एक बार तो जी। हेलो हेलो जी सर, इससे बात कर रही हूँ जी एक बार अपना इश्ता है टिंकू तो नहीं यार मैं नहीं तो नहीं कह रहे भाई टिंकू उस बंदे का नाम और जो एडवोकेट है उसका फोन आया। फिर मैंने बताइए भाई किसी से मुझे कोई बात जी टिंकू यार उसे बात कर रहे हैं ये फिर वही कह रहे हैं कि हमारे 3.5 लाख रुपए वहां लिखवा लिए। हाँ जी इनका पेटा कुकर भरा है भाई इनका पेटा। मेरी बात सुनो वकील साहब, बाऊ बेटा बाऊ बीच में अगर मैरिज जुबान तक कहीं सुन लिया आपने बदनाम करना पीछे चोनी ली नहीं ऐसा जी सुनो तो मेरे पर डंट टेक लो आप जो भी पंचायत में अगर मेरे मुंह तली कट जाए और बताओ मेरे हमने कोई चोनी ली भी नहीं फिर भी बदनाम हमेशा नहीं पड़ेगी हमने बात करे वकील साहब जी वो तो लिखना आपने वही नहीं थे क्या आप मैं इसका फादर है रहे मैंने समझाए हैं मगर वो मजबूरी है लिखनी वो केस में लिखवाना पड़ा 3.5 लाख जी 3.5 लाख रुपए हमारे पर लिखवा के कह ये बात बाहर भी कह देंगे जी हमने 3.5 लाख ले लेना कोई चुनना ही जी। मेरी बात सुनो जी आप इस बात का ना घबराओ बाबू के यहाँ फैसला हो रहा है हम तो एक बात भी नहीं पलटेंगे जी ठीक है। कोई ना कोई चोनी ली हो तो बता दे कोई चोनी तो नहीं ली नहीं 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 फादर बैठे ये सुनने लग गया नहीं 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 कोई तो भाई देख सको हो इसने एक सीधी सी बात कही कि भाई हमने एक 54 भी नहीं ली। और दूसरी बात जो मैटर दूसरा था कुछ जिसमें 3.5 लाख रुपये उन्होंने क्या भाई लिखवाने पड़ा करा ईसा के मैटर हो गया कि भाई 3.5 लाख रुपये उसमें लिखवाने पड़ा। उस खतर जो इनकी बड़ी बहन है वो हमारी गिला मौजूद है उससे एक बार बातचीत करेंगे कि 3.5 लाख रुपये जो कोर्ट में इन्हें साइन करे कि भाई ले लिए लेकिन दिए नहीं इन्हें टिंकू ने इन तक 1 रुपया नहीं दिया। इस चीज़ की जो प्रूफ है बातचीत है वो एक बार इन तक इसकी जो बेबे उन तक रही 3.5 लाख रुपये का क्या मैटर है जी जब आपने वे 3.5 लाख रुपये मैंने गिरे बेचे आपने लिए नहीं है वो खुद कह रहा है ऑडियो में तो फिर यो मैटर क्या है कौन सा मैटर जुड़ गया इसमें 3.5 लाख रुपये का ये मैटर है जी ये टिंकू का काम है सट्टेबाजी का दे व्यापार का और लड़कियाँ सप्लाई करने का ये यही काम करता है। इसके अलावा आप इससे चौथा इसका काम पूछिए जी ये करता क्या है ये इसके अलावा कोई काम नहीं करता। इसने क्या किया 2020 में मेरठ से 25,000 रुपये में एक सेक्स वर्कर लड़की को खरीद कर लेके आया जो कि इसने पंचायत और पुलिस वालों के सामने एक्सेप्ट भी किया है इस चीज़ को।
वहाँ से खरीद के लेके इसने अपने घर पे उस लड़की को रखा और धीरे धीरे मेरे भाई के कॉन्टेक्ट में लाने की कोशिश करवाता रहा। उस लड़की ने मेरे भाई का नंबर जो है मोबाइल नंबर उस लड़की को दिया और वो लड़की जो है मेरे भाई को बहुत ही अजीब तरीके की अश्लील बातें अश्लील वीडियोज उसको भेजती थी। मेरे भाई का हमेशा यही रिप्लाई उसके पास होता था, आप कौन है मैं आपको नहीं जानता। तो ऐसे धीरे धीरे करके 24 अगस्त को उस लड़की ने क्या किया, मेरे भाई अभिषेक और नरेश वर्मा के लड़के विकास वर्मा के ऊपर जो है रेप केस की एक एप्लीकेशन ये किला थाना में देकर आई। तो पुलिस ने जो क्या है पुलिस वैसे कैसे बोल सकते भाई रेप केस है क्या कुछ उससे पहले दरखास्त दी होगी उसने दरखास्त दी जी मैं आपको दिखाती हूँ दरखास्त भी उसने लड़की ने एक एप्लीकेशन दी थी। उस एप्लीकेशन में उस लड़की ने वहाँ जाके ये लिखवाया कि भाई मेरे ऊपर अभिषेक ने और उसके दो साथियों ने मिलकर मेरा जो है मेरा रेप किया है। ये लो जी तो भी देख सको हो मतलब इनका कहने का मतलब नू है कि जो इनका भाई है उसके संपर्क में एक लड़की आई जिसने लेकर आया टिंकू क्योंकि वो सेक्स वर्कर थी। कहीं ना कहीं टिंकू की प्लानिंग है इनका कहने का जो मतलब है कि टिंकू ने ही इनके भाई तक जो है मैसेज करवाए थे। देखो जी ये 24 अगस्त की है 24 अगस्त 24/8/2008 की है ये तो भाई देख सको हो इसमें इस लड़की ने लिखा हुआ है कि मैं पायल अशोक विहार कॉलोनी की रहने वाली हूँ और अभिषेक और उसके भाई विकास ने जो है मेरे ऊपर जो है मेरे साथ जो है बलात्कार किया और मेरे को नशीले पदार्थ में कुछ खिलाकर। इस एप्लीकेशन को लिखवाने के बाद जो है पुलिस आई आकर के मेरे भाई अभिषेक को और विकास को उठा करके ले गई। हमें बोला कि आप पुलिस स्टेशन आ जाइए। हम पुलिस स्टेशन गए वहाँ जाके उस लड़की ने समझौता करने के लिए रेडी हो गई। उस लड़की ने बोला कि मैं 4 लाख रुपये लूँगी समझौते में ये बोला 2-2 लाख रुपये देने के लिए हम लोग तैयार थे क्योंकि हमें क्यों तैयार थे क्योंकि हमें बदनामी से बचना था। भाई के ऊपर बिना बात का एक रेप केस लग रहा है जिस लड़के ने कुछ करा नहीं है सुबह पूरे समाज में उसकी बदनामी हो जाएगी। हर कोई उसको ये कहेगा अरे ये रेपिस्ट जा रहा है इसने ये रेप किया है। इस बदनामी से बचने के लिए हमने 4 लाख रुपये के लिए वो हो गए। बाद में टिंकू आया उस लड़की को हाथ खींच कर ले गया पुलिस स्टेशन से सबके बीच में सब लोग मौजूद थे। और जो अभी ये केस इसके ऊपर चल रहा है ब्लैकमेलिंग हनी ट्रैप का इसमें सारे के ऊपर चल रहा है टिंकू के ऊपर उस लड़की के ऊपर। तो ये बाद में इन्वेस्टिगेशंस हुई इन सब चीज़ों की। तो उसके बाद सुबह तक इनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। इन्होंने रात को बोला कि जो हमारे एक्स मेयर सुरेश वर्मा है उनके ऑफिस में एक मीटिंग पंचायत रखेंगे। तो टिंकू ने 3 डिमांडें रख दी कि नेहा जो है तलाक दे बच्चा वापस दे और जो इससे पहले 498 का मुकदमा उसके ऊपर लगा हुआ था दहेज का वो वापस ले। उसने कहा कि अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हमारी डिमांड पूरी कर देगी तो ये लड़की अपना केस वापस ले लेगी। एप्लीकेशन तब तक FIR नहीं हुई थी कि लड़की क्योंकि लड़की FIR रात को चाह ही नहीं रही थी कि हो लड़की को तो पैसे से मतलब था। अगर आप इतने सच्चे थे तो हाथों हाथ FIR कराते ना। लड़की ने जो क्या है FIR करवाई ही नहीं। लड़की को तो ये था कि मुझे तो पैसे से मतलब है। लेकिन सुबह तक जो है और डिमांड बढ़ गई 4 लाख की बजाय 8 लाख रुपये हो गए और ये तीनों डिमांड और थी। उसके बाद देखिए मैं आपको एक चीज़ और खाती हूँ मतलब इनका कहने का मतलब नू है रात ने तो 4 लाख थे तड़की होंदे होंदे 8 लाख रुपया की उनकी जो डिमांड होगी और उनकी शर्त भी होगी कि जो 498 का जो इन मुकदमा दर्ज करवा रखा है वो उल्टा ले हो और मेरे तक तलाक ले हो और जो मेरा बेटा है बेटा ने वापिस दे दो। हाँ जी मतलब जो बेटा है वो मरते दे दो। यो है थोड़ी सी लॉजिक वाली बात जो 3.5 लाख रुपये लिखवाने की बात थी उसके बाद ये कोर्ट में गए फिर कोर्ट में गए और ये कोर्ट में एफिडेविट भी टिंकू ने ही बनवाए। बोला कि एफिडेविट दोनों मैं ही बनवाऊंगा तलाक के भी मैं ही बनवाऊंगा और उस लड़की वाले भी। अब इसने तलाक के एफिडेविट में क्या लिखा ये देखिए जी आप ये डेट देख लीजिए एक बार ये 1 सितंबर 2020 की डेट है जिसमें नेहा और अभिषेक नेहा और टिंकू के तलाक के सिग्नेचर हो रहे हैं। तलाक की डेट है भैया 1 सितंबर 2020 में और दूसरा भी था एक कुछ एक मिनट इसका बताती हूँ। उसमें नेहा इसमें टिंकू ने क्या लिखवाया जबरन लिखवाया कि भाई मैं अपने बच्चे को पालन पोषण करने में सहमत नहीं हूँ और हमने 3.5 लाख रुपये मैंने सारा इसका हर्जा कर्जा ले लिया है। इसी बात के ऊपर हमने जब ये मतलब उसके पास इतने पीछे नहीं थे इसलिए उन्हें 3.5 लाख रुपये आप पर ले लिया कि मैं इसका पालन पोषण कर लूँगा। हाँ जी इसलिए नहीं हाँ हमने लिए उससे तलाक कराने के वो कह रहा है ना उसने वीडियो में आपको बोला है ना कि 3.5 लाख रुपये ने लिए और अपना बच्चा दिया है ऐसा कुछ नहीं था। जब हमने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाया जब तो मजबूरन थे तो नया ने साइन कर दिया क्योंकि अपने भाई को बचाना हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी। उसके बाद जो है हमने मतलब इनका ये हो गया था भाई एक तरफ कुआ एक तरफ खाई क्योंकि एक का ना भाई था
दूसरी तरफ बेटा था। बचाए तो किसको बचाए, यही हो गया था। तो उसने फिर, अब आपने वो वीडियो ऑडियो सुन भी ली है कि रामदास त्यागी जो कि पहले हमारा एडवोकेट था, बहुत बड़ी बात है भैया, पहले वो वकील इनका था और कुछ देर बाद नुंग पलटी मार गया उनका हो गया। नुया जी, रामदास त्यागी वकील ने तो एक वकालत के नियमों को भी तार पार कर दिया है। ऐसा मैंने पहली बार सुना है कि अगेंस्ट क्लाइंट के साथ एक वकील जो है अपने आप को जो है चेंज कर देता क्योंकि, है क्योंकि आपके बारे में उसने सब कुछ पता था पहले। जी पहले पता था, जब आपका वकील था वो तो सारी की सारी नॉलेज। और ये देखिए जी, फिर जब नेहा ने उसे एफिडेविट पे साइन कर दिए, मजबूरी में किए, जिसकी आपको हमने रिकॉर्डिंग भी दे दी है, उसके बाद उस लड़की ने इस एफिडेविट पे साइन किए, ये भी देख लीजिए आप। तो मैं एक बार कहूंगा, कैमरामैन तो दिखा दे, 1 सितंबर 2020 का है, उसके तुरंत बाद उस लड़की पायल ने एक एफिडेविट दिया कि भाई जितने भी ये आरोप लगाए हैं मैंने, वे सारे के सारे निराधार है, इनका कोई कसूर कोन्या। ये इसमें सारा यही लिखा हुआ है कि अभिषेक और विकास ने मेरा कोई रेप नहीं किया, मैंने किसी के बहकावे में आके किया था। जब नेहा ने वो दिया तो ये देखिए पायल की आरटीआई लगी है। और सबसे बड़ी बात तो हमें रामदास त्यागी ने ये प्रूफ दिया, ये देखिए ये लड़की जो है पायल, जो अपने आप को पायल बताती है, एक्चुअली में वो पायल नाम उसका नहीं है, वो एक मुस्लिम रिलीजन से थी, जो यहाँ आने के बाद टिंकू ने उसका आधार कार्ड चेंज कराया। इसकी डेट ऑफ बर्थ आप देख लीजिए, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 10/11/1994। और जो है इसने फिर अपने आधार कार्ड को चेंज कराया, शहजादी नाम था इसका, आधार कार्ड चेंज हुआ 28/8/2020 को, शहजादी से इसका नाम पायल रखवाया। इन लोगों का यही काम है, जो ये मेरी बहन के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये बच्चे को नहीं पाल सकती, मेरे परिवार के ऊपर लगा रहे हैं। आप जरा मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए कि हमारे घर में मेरे फादर साहब अभी तक 60 एज के होने के बावजूद भी जॉब कर रहे हैं, मैं खुद बहुत अच्छी जगह जॉब करती हूँ, मेरे दोनों भाई बहुत अच्छी जगह नौकरी करते हैं, तो हम कैसे बच्चे का लालन पालन नहीं कर सकते? इससे ज़रा ये पूछिए, इसके फादर साहब का भी यही काम था सट्टे का और उन्होंने आत्महत्या की, इसका भी यही काम है सट्टेबाजी का और लड़कियां सप्लाई करने का, देह व्यापार का, जिसके साथ इस गैंग में इसके साथ शेरू पिता पुत्र पाले राम जो कि 11 बार चुंगी पे रहता है, और गोलू और रामदास त्यागी भी मिले हुए हैं, और इसका देह व्यापार का काम है। इससे ये पूछ लीजिए क्या इसका बिजनेस है, ये क्या बिजनेस करता है, कौन सी इसकी नौकरी लगी हुई है, कौन से इसके परिवार में किसी की नौकरी लगी हुई है, उसके बावजूद भी ये ऐश्वर्याम की ज़िंदगी जी रहा है, गाड़ी घोड़े चलाता है किस तरीके से, मतलब एक क्रिमिनल बाप जिसका आगे भी बाप क्रिमिनल था, वो क्या अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देगा, अच्छी शिक्षा देगा? अच्छा ये बताइए, उन्होंने शिक्षा मंत्री को भी गुहार लगाई, अनिल विज को भी गुहार लगाई कि मन न्याय मिलना चाहिए, अगर मैं दोषी हूँ तो मन सजा मिलनी चाहिए, आप किस तरह गुहार लगाओगे? देखिए जी, मैं सिर्फ सबूतों के विहाफ पे बोल रही हूँ, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी या माननीय गृह मंत्री जी जो हैं वो एक तरफा बात तो नहीं सुनेंगे, जैसे आप लोगों के सामने भी आए हैं। मेरी भी उनसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि देखिए हमारे साथ उसने जो जो भी किया या उसके साथ जो हुआ, वो सबूतों के विहाफ पे सब कुछ हमारे पास है। ये जो प्रशासन को बदनाम कर रहा है कि प्रशासन उनका साथ दे रहे हैं, प्रशासन हमें लठ मारता है, ये करता है, ये प्रशासन को सिर्फ बदनाम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप कोई भी अगर परेशान होंगे तो आप पुलिस के पास जाएंगे अपनी गुहार लगाने के लिए। और पुलिस जो है, पहले केस में भी ऐसे हुआ जी, हम जो है हमारी IG मैडम भारती जी के पास गए, उनको हमने अपनी सारी मजबूरियाँ उनके सामने रखी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराई। जब इस लड़की को, एक सेक्स वर्कर लड़की को हायर करके इसने रेप केस मेरे भाई के ऊपर लगाया था, तब भी हमने इन्वेस्टिगेशन मांगी थी, और पुलिस ने जो क्या है बहुत बारीकी और बहुत ईमानदारी और बहुत लगन के साथ इस केस को जो है हमारी IG मैडम ने जो है DSP साहब को सौंपा, और DSP साहब ने खुद इसकी जांच की, जांच बहुत बारीकी से जांच करने के बाद जो है ये रेप केस जो है हमारे ऊपर, जो एक झूठा रेप केस लगाया गया था उसको पुलिस ने कैंसिल किया और उनके ऊपर ब्लैकमेलिंग हनी ट्रैप का मामला डाला। अभी भी शेरू अपने कुछ साथियों से मेरी बहन को फ़ोन करवा के हमें ये धमकियां दिलवाता है कि तुम्हारे ऊपर झूठे पर्चे दर्ज करवा देंगे। मैं ये कहती हूँ कि ऐसे घटिया लोगों को अभी भी शर्म नहीं आ रही, एक बार झूठा पर्चा हमारे ऊपर दर्ज करा के देखा था ना, उसका पता लग गया था। झूठे पर्चे किसी ईमानदार और शरीफ आदमी के ऊपर करवाने का यही होता है कि उसको प्रशासन साथ देता है, उसका सच्चाई साथ देती है। एक बार झूठा मुकदमा करा के देख तो लिया था, 2 महीने ये लोगों की क्यों भगदड़ मची रही?
क्यों लोग भाग के गए, ये दोनों दो महीने क्यों भागते फिरे, क्यों हाईकोर्ट से अपनी जमानत कराई अगर आप लोग इतने सच्चे थे? और इतनी धमकियां हमें अगर इस तरीके की दे रहे हैं तो हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ सच्चाई का साथ देंगे। आगे भी आप हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा के देखिए, प्रशासन, सच्चाई और ईमानदारी हमारे साथ है। गलत तो हमारे साथ हुआ है, एक माँ के साथ आज 20 दिन हो गए, उसका बच्चा ले जाके गए हुए हैं, हमारे ऊपर इतने गलत गलत कमेंट्स जो लोग पास कर रहे हैं, वो एक मिनट के लिए ज़रा ये सोचिए, इतनी गंदी गंदी गालियाँ मेरे फादर साहब को, मेरे भाई को दी हुई है टिंकू ने। क्या समाज, क्या सामाजिक आदमी की आंखें इतनी बंद हो गई है कि वो इस चीज़ की तुलना नहीं कर पाएगा कि अपने ससुर को जो है इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं? मैंने आपको सारे प्रूफ, वो सारी की सारी गालियां भी आप तक सुनाओगे, उसके बाद आपने के लग गए कि एक सभ्य व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति अपने ससुर तक किस तरह बात कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो ससुर हुआ है वो अपने खुद के बाप तक भी बड़ा हुआ है, क्योंकि उसने उसकी बेटी, उसकी बेटी, उसके घर की इज्जत जब छोरे दोहरा हुआ है तो सबसे ज़्यादा जो लाडर प्यार होया करा है एक दामाद की गेला होया करा है, एक मतलब ससुर का। रही बात दहेज की, कहते हैं ना कि दहेज नहीं दिया, इसकी माँ और इसने जब ये देखा कि नया के हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया, तो माँ और बेटे ने एक प्री प्लानिंग की। आप इस चीज़ पर गौर दीजिएगा अच्छे से, प्री प्लानिंग करके एक 25-30 लाख के घर से जो इसकी माँ के नाम पर ही है, इसकी माँ जो है सारा हजारों का सामान लेके, लाखों के घर से हजारों का सामान लेके दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। ऐसे प्री प्लान किया कि अब नेहा अपने घर पे बोलेगी, और नेहा जिस बोलेगी तो इसके घर वालों के साथ जब इसका आना जाना शुरू हो गया तो ये लोग सामान देंगे। ये देखिए मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्टकट में एक वीडियो दिखाती हूँ, ये नेहा से टिंकू ने हमारे यहाँ पे एक वीडियो भिजवाई, मेरे को भिजवाई। ये देखो इसकी माँ लाख अपने ही नाम पे किए हुए घर में, जो लाखों का घर है, वहाँ से एक प्री प्लान के तहत अपना हजारों का सामान लेके दूसरे घर में शिफ्ट हो गई है। और ये देखिए किचन जो है, अब ये किचन सारा सामान लेके, ताकि नेहा का, नेहा हमसे बोले और हम इनको सामान दे। तो भाई आपने के कुछ लग गया है, क्योंकि पहली जो बात हमने सुनी थी, आप तक सुनाई थी, उसमें भी आप सभी ने कमेंट करे थे, खबर शेयर करी थी, तो भाई इनकी के कुछ लग गया है? आपने लव मैरिज करी थी, लग गया था ईसा की भी जो ये दुख देख लग रहे हो आप, यो हो सकता था ऐसा? नहीं सर, अगर मुझे पता होता कि भाई लव मैरिज के बाद ये इंसान मेरे साथ ऐसे बदल जाएगा तो मैं इसके साथ कभी भी चलने के लिए रेडी ना होती। वो ये बोल रहा था कि भाई मैं हर महीने अपने लड़के का बर्थडे बनाता था, हर महीने बर्थडे बनाता था, बर्थडे बनाता था, और हर बार कभी गोवा, कभी शिमला, कभी मसूरी, कभी कहीं, ऐसे बोल रहा। देखो बिल्कुल ये बिल्कुल झूठ है कि वो कभी गोवा गया या फिर कुछ भी, और जो कुछ कर रहा है, अगर मान लो अगर वो ये बात बोल भी रहा है कि वो लड़के का हर महीने बर्थडे बनाता था, जो भी कर रहा था, तो अपने बेटे के लिए कर रहा है, मेरे लिए तो नहीं किया, बेटे के लिए कर रहा है, कर भाई। तो मेरे लिए करेगा तो मैं तब बोलूँगी ना, मैं तो सिर्फ अपने लिए लेके खड़ी हुई हूँ कि उसने मेरे साथ मारा पीटी करी, जिसके मैं आपको हर एक प्रूफ दिखा सकती हूँ, कैसे मेरे बॉडी पे नील के निशान पड़े हुए हैं, सब पिक्चर्स मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि किस तरह से उस इंसान ने मेरे को मारा पीटा। 9 मई की रात को वो मेरे बेटे के साथ बदतमीजी कर रहा था, तो मेरे वो छोटा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, जैसा वो बदतमीज उस बच्चे के साथ बोल रहा था ऐसा ही वो पलट के जवाब दे रहा था, और मैं आराम से टीवी देख रही थी चेयर पे बैठ के, टिंकू ने क्या करा, मेरी छाती पे बहुत तेज मुक्का मारा, तो मैं वो पकड़ के रोने लग गई, और वो मैं पूरी बॉडी में मेरे पेन हो गया उस मुक्के से, तो मैंने इसको, मैं रोते रोते बोलने लगी कि भाई मेरे को क्यों मारा, तुम दोनों की बात थी, मुझे क्यों लेके आया बीच में, तो बोलने लगा कि इसको समझा ले। मैंने कहा इतना बड़ा नहीं हुआ ये कि कुछ समझने लायक है, वो छोटा है। तो उसने मेरे को धक्के मार दिए कि बाहर निकल घर से, तू मेरा घर नहीं बसा सकती, तू ये है, तू वो है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, कि मैं गालियाँ तो आप लोगों के आगे बता भी नहीं सकती, कुत्ते की बीज, पता नहीं कितना गंदा वो मेरे को बोलता था, मैं आपको बता भी नहीं सकती सच्ची में कि इतनी गालियाँ वो मेरे को देता था, और मैं बर्दाश्त करती थी किस लिए, क्योंकि मेरा मेरी फैमिली के साथ कॉन्टैक्ट टूट चुका था, 9 महीने से मेरा किसी के साथ भी कॉन्टैक्ट नहीं था। वो जो बोल रहा है कि इसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा लो, तो हाँ बेशक से निकलवा लो, मेरा बोल रहा है कि 1 महीने से इसका इसकी बहन के साथ कॉन्टैक्ट था, कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। बहन है उसके साथ तो होगा ही, घर के परिवार के सदस्य है। और अगर ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि इसका इसकी सिस्टर के साथ 1 मंथ से कॉन्टैक्ट था, तो था तो बहन है वो, तो उसके साथ होगा ही, सीधी सी बात है।
आप उसका भी तो उसकी फैमिली के साथ था कॉन्टैक्ट, डेली अपनी सिस्टर के घर भी आना जाना था, उसको भी मेरे किराए के मकान पे बुलाना था, अपनी मदर के घर भी डेली मेरे बच्चे को लेके जाता था, जबकि इसकी माँ ने इतना फ़ोन करके इसकी बुआओं से ये बोल दिया था कि अगर ये इस घर से ना निकला तो मैं जहर खा के मर जूँगी। हाँ जी, तो आप क्या कुछ मांग करना चाहो? उन्होंने बोली थी कि भाई जाँच होनी चाहिए, आप क्या चाहो? जैसा उसने बोला है ऐसा ही कि जाँच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हाँ जी बिल्कुल होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी, वो तो आपको मैंने सिर्फ एक रिकॉर्डिंग सुनाई दी है कि उसने मेरे ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया कि इसने 3.5 लाख रुपए में अपने बच्चे को बेच दिया। और वो मतलब भाई एक रिकॉर्डिंग इनने सुना दी है, दो रिकॉर्डिंग हम सुनाओगे आप तय, उस रिकॉर्डिंग ने सुन के भी आप जज करियो कि एक दामाद अपने ससुर तक किस तरह बात कर रहा है, और उसके बाद आप खुद बताइए कॉमेंट करके ना गलत आखिर है कौन, ये है गलत वो है गलत, वो आपकी राय है। अगर आपने लग गया कुछ भी सच या झूठ कमेंट करियो, और इस खबर ना आप इतना शेयर करो ताकि इस मामले की निष्पक्षता तय जांच हो सके और इन्हें इंसाफ मिल सके, जो भी इसमें आरोपी है उसने सजा जरूर होवे। और ये मेरे को बोल रहा है कि ये सारा गोल्ड अपने घर रखी आई, सब कुछ अपने घर रखी आती थी, मैंने इसको इतना सोना दिया इतना वो दिया, तो आपको मैं ये एक फ़ोटो देखो मिथुस बैंक के नाम से मेरे पास है, ये पिक्चर क्लियर नहीं है, मिथुस बैंक के नाम से मेरे पास एक फ़ोटो है, इसमें इसने अपना सारा गोल्ड रखा हुआ है और इसके ऊपर इसने लोन उठाया हुआ है जिससे ये सट्टे का काम चलाता है, और इसने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने बोला था कि भाई मेरी तारीख है, कुछ दूसरी तारीख थी, तो वो तारीख कौन सी थी ऐसा भी कुछ बता रहे थे आप? सर इसकी तारीखें तो इसकी कोर्ट में लगती रहती है हर 2 दिन के बाद, कभी इसका मर्डर का केस है, कभी लड़ाई झगड़े का है, कभी चोरी का है, कभी हनी ट्रैप का है, कभी दहेज का है, इसके पास इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे केस लगे हुए हैं जिसकी ये तारीख भुगतता रहता है। तो अच्छे इब्नू बताओ, आप अपने घर हो, ई बाप ने प्यारा कौन लग है, उस टाइम पर आपका जो कदम था वो लग है अपना गलत था? बिल्कुल सर, मेरे को ऐसा मतलब फैमिली तो अच्छा कुछ नहीं होता, ये चीज़ क्लियर होगी? हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, मैं अभी भी अंधी होके उसने मुझे बोला कि बच्चे के लिए घर बसा ले, एक मैंने बच्चे का मुंह देख के कि कोई बात नहीं, बच्चे का मुंह देख के मैंने उसके साथ घर बसाने की सोची, और वो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि भाई इसने मेरे से रिक्वेस्ट करी। मैं तो अच्छी भली अपने HDFC बैंक में जॉब कर रही थी, अच्छे से खुद भी अपनी जॉब कर रही थी, अपने बच्चे को पाल रही थी, मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मैंने अपने इतने कर्म फोड़ दिए कि उसके एक कहे पर उसके साथ चल पड़ी, मैंने फिर से उसके ऊपर विश्वास नहीं किया कि इंसान फिर बदल जाएगा। तो भाई कर दो इस खबर ने शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी राय जरूर कमेंट में लिखो, कर दो शेयर। मैं हूँ धारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।